अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं? आज मैं आपकी तरफ एक अहम चीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें आप अपने घर में बैठकर अपने केस की पैरवी कर सकते हैं और ऑनलाइन डेट देख सकते हैं कि आपके केस के अंदर कौन सी नेक्स्ट डेट है, और आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपका केस कब दायर हुआ था और कब डिग्री हुआ है। उसके बारे में हम आपको वीडियो के अंदर बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन किस तरह आप देख सकते हैं अपने केस की डेट। आए आपको हम बताते हैं कि किस तरफ जाना है। ये मेरी खुली हुई थी पहले से वेबसाइट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा इसको ओपन करते हैं ताकि आपको बुनियादी सिरे से सिखाया जाए, ताकि आपको आखिर तक पता चले कि ऑनलाइन हमने कैसे केस को देखना है। और आप रोज़ाना फ़ोन कर रहे होते हैं अदालत के अंदर, वो फ़ोन कर रहे होते हैं अपने वकील को, वकील फ़ोन नहीं उठाता, इससे बेहतर नहीं है कि आप किसी को फ़ोन ना करें, आप जाएं अपनी डेट को देखें, अपनी कार्रवाई को देखें क्या कार्रवाई हुई है, और उस कार्रवाई को देखने के बाद आप घर आएँ और घर में बैठ कर, बल्कि किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर, पाकिस्तान ओवरऑल में आप देख सकते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि मेरे इस वक्त केस के पीछे कौन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये भी चीज़ आपको पता लग सकती है। आए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या कहना, गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में कि हम गूगल के अंदर चले जाते हैं सर्चिंग, ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। अब आपने जाना है ये इधर एक आपके सामने इसकी जो साइड है वो ये ओपन, ऑलरेडी मैंने खोली थी, ये ओपन कर दी है मैंने। अब इस साइड के आपको अंदाज़ा होगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ, dsjlahore.punjab.government.pk, ठीक है, इसमें आपने जाना है। और साथ ही जब आप करेंगे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आएगी सामने, केस मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब पोर्टल, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डेस्कटॉप के ऊपर एक विंडो सी आएगी, विंडो के अंदर आपने सामने देखना है कि केस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री पंजाब। अब ये सारे के सारे जो ओवरऑल पंजाब को देख रहे हैं, ठीक है, ये पंजाब के अंदर चलती है, पंजाब के बाहर नहीं चलेगी। अब आपने यहाँ के अंदर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो आपका सिलेक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका केस है, मिसाल के तौर पर सियालकोट है, फैसलाबाद है, डीजी खान है, अटक है, जिस जगह पे भी वटेवर है, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने मेंशन करना, आपने अपनी सारी चीज़ें देखनी, अटक, भावलपुर, भावल नगर, ये सारा कुछ आपके सामने जहाँ जहाँ हमारी अदालतें वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ तक है बिहारी तक आपका यहाँ बकायदा लिस्ट लगी हुई है। हम उस तरफ जाने के लिए हम लाहौर का देख लेते हैं, ये लाहौर आ गया। इसके बाद आपने यहाँ सर्च करना है, केस नंबर आपको याद होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा केस कहाँ लिखा होता है, कहाँ से आपने लेना है। उसके बाद आपने इधर आना है सिलेक्ट केस कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंदर आपका केस है, बेल एप्लीकेशन है, सिविल अपील है, ठीक है, सिविल जो आपकी अपील है, क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल अपील है, ठीक है, फैमिली केस है, हेबियस है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आपने देखना है ऐसे नीचे की तरफ जाना है, ये सारी की सारी आपको आपकी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर आपने अमेंडमेंट नहीं करनी, कुछ चीज़ नहीं लिखनी। यहाँ पाएंगे आपको सिलेक्ट कोड नेम आ जाएंगे, कोड नेम क्या है, जज के नाम, जो इसको प्रोसीड कर रहा है, कौन सा जज इसको सुन रहा है, जब थोड़ा सा गला ख़राब हो गया जिसकी वजह से, ठीक है, ये जज सुन रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ कोई अगर आपके यहाँ ऊपर FIR है या FIR नंबर याद है वो लिखना है, या आप सबका कोई FIR देखना चाह रहे हैं तो इधर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सर्च करेंगे, आपके सामने इसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि केस को लिस्ट वाइज देखना चाह रहे हैं कि आज के पूरे दिन के अंदर इस जज के पास कितने केसेस हैं, वो उसको आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने यहाँ मेरे पास जजेस के हैं, ये सेशन जज हो गए, या कोई भी वटेवर मैं जज पकड़ लेता हूँ, मियाँ शाह जवेद साहब को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये आज की डेट के केसेस देख लेते हैं, ये आपके सामने, यहाँ आप डेट चेंज भी कर सकते हैं, मिसाल के ये 5 है, 6 भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मिसाल के कल किसके पास कौन सा केस लगा होगा, ये मैं कल की केस के देख लेता हूँ कि जो लिस्ट से आ रहा है कि कल किधर किधर हमारे केस लगे होंगे। ये आपके सामने केस की लिस्ट आ चुकी है, जनाब मियाँ शाह जवेद साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब, ठीक है, फरिस्ट उसका नाम, बरोज़ जमेरात, अब ये आपके पास नंबर शुमार आ गया, केस नंबर आ गया, ठीक है, जो आपको केस नंबर ये है,
जो आप उस जगह पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये केस नंबर आपके पास याद होगा, आप इसमें लिख के आपको सामने आ जाएगा। दरख्वास्त जमानत बार ये सारी की सारी इसके अंदर आपके पास कल जो मतलब इसकी जो हेयरिंग होनी है। अब हम देखते हैं कि केस हमारा ये कब लगा और कब तक है इसको चल रहा है। ये सर केस जो हमारा यहाँ मोहम्मद रफ़ीक बिन अमसर खान ये लगा है, ये तकरीबन 13/6/2022 को, ठीक है। ये केस नंबर आ गया, ठीक है ठीक है। ये बेल एप्लीकेशन है, ठीक है, ये चलता रहा आपके सामने, ठीक है। पेंडिंग है अभी, इसकी फैसला नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसके बाद चले जाते हैं सिविल मतलब प्रोसीडिंग आपको दिखा देते हैं कि सिविल जज की प्रोसीडिंग भी आपके सामने होनी चाहिए। आपको पता ये ना हो कि आपने आपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जज के तो बता दिया, आपने उसका नहीं बताया। ये देखें हमारे पास ज़हीर अहमद गार्डियन जज है, जहाँ फैमिली केसेस देखे जाते हैं, उसकी प्रोसीडिंग देखते हैं। 5 तारीख की आ गई, हमने 6 को कल देखा था, इसकी भी हम 5वीं प्रोसीडिंग की जो आज इसने प्रोसीडिंग की है, ठीक है। या आपको पता ये डेट आ रही है, नोटिस उसने लगा दिया, अंदर की तारीख पेशी ये कर दी है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि ये कब का शुरू हुआ है। 2019 में शुरू हुआ था, गार्डियनशिप है ये इसका के मतलब आ गया, डेटल ये उसके साथ चल रहा है, नोटिस पर चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक है। प्रोसीडिंग हो गई मतलब आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें शो होंगी, आप घर बैठे आराम से इजीली। हाँ, मैं एक काम ये भी कर दूंगा कि मैं अपने वीडियो के अंदर लिंक्स भी दे दूंगा इस वेबसाइट का, आप उस पर भी क्लिक करके आप इस पर आप देख सकते हैं। आपको घर बैठे किसी भी जगह पे जाके आप मतलब अपने मोबाइल से देख सकते हैं, आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे पे कि हमारी कौन सी डेट डली है उसके ऊपर आपको याद है नहीं, कैलेंडर लगा सकते हैं ताकि आपको बार बार वो वहाँ से किराया भर के मुंशी के पास आना, मुंशी फ़ोन नहीं उठाता, उसके ऑफिस में आना, फिर डेट पता करके घर चला जाना, वो आपको ज़्यादा फिर टाइम का भी ज़ाया, माल का भी ज़ाया, वक्त का भी ज़ाया। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है यहाँ ये है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने भी इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बस ये हमारा आपसे मुआवजा है, बस और कुछ भी नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो बना के रहूँगा, बेहतर हूँ। बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक कर दें ताकि आपको नई से नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।